मलिक जी साहब, जी कौशल सर अगर आपने सारा जी टाइम कौशल सर इन्हीं को देना है और ये गालियां गालियां सुनवानी है अगर आपने, तो फिर मैं तो प्रोग्राम से, मेरे ख्याल में मुझे मुखलिसी दे दीजिएगा। मैं ऐसे शाउटिंग चले जाए। में का आदी नहीं हूं, शाउटिंग बाउट जो कर नहीं रहे नहीं हैं, शॉटिंग करने अगर की इन्होंने चाहिए भी यही नहीं है, जबान मुनासिब इस्तेमाल अल्फाज करनी में ही है। तंकीद होनी चाहिए। देखिए नहीं, मुनासिब अल्फाज में तंकीद देखिए, होनी चाहिए, इसमें शॉटिंग ना में तो नहीं। लेकिन साकिब कोसा साहब एक चीज आप ना कोई बताइएगा, साकिब निसार का जो ताल्लुक जो था। बात फैसले ऐसे हैं देखिए, जिसके ऊपर मैं एक कोसा साहब मिनट आपसे एक राय मिनट चाहता हूँ। एक जी मलिक साहब, एक मिनट। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू सुने, इन्होंने किस तरह से आड़े हाथों लिया ये इसको आबिद शेर अली साहब को, आप देखें ज़रा, उसके बाद बाकी तफसील से बात करते हैं। ये अल्लाह की, अल्लाह अल्लाह ये खोसा साहब, मैं आपको अहदीस मुबारक भेजता हूँ, अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं या कभी ज़िंदगी में अहदीस पढ़ी है, मैं भेज दूंगा। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं जजेस के बारे में, जिन्होंने इंसाफ करना है, अल्लाह की अदालत में जब उनको पकड़ा जाएगा, एक एक चीज़ उससे पूछी जाएगी कि भाई ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के आप चीफ जस्टिस बन के बैठे थे, आप तो करप्शन में मुब्तला थे, और खोसा साहब कह रहे हैं कि आपने इस्तीफा दे दिया, आपको पूछ नहीं सकते थे। वो मुल्क उसके बाप का था कि वो पैसे लूट के खा जाए, वो लोगों को नाइंसाफी दे और आप उनको कहीं भी चले जाए, वो पाकिस्तान के वजीर आजम को घर भेज दे, जादू लहसन जैसे लोग, आप कहते हैं जी कि उनकी काजी फायज ईसा साहब से नहीं बनी। को खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचें, अपनी जाती अना और मफादा से बाहर निकलें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक जज गलत फैसला दे पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, उसकी ऑडियो और उसकी वीडियो दोनों रिकॉर्ड का हिस्सा हो, और ये कहते हैं जी कि मिसकंडक्ट हो गया, जज साहब ने इस्तीफा दे दिया, और उनको अब वो जज नहीं रहे थे, पूछ नहीं सकते। नाउज बिल्ला के वो ऊपर से उतरी ऐसी मखलूक है जो नहीं पूछ सकते, क्यों ना पूछें। पाकिस्तान के लोगों के गलत फैसले इन लोगों ने दिए, पाकिस्तान की अदलिया का बेड़ा गर्क इन काली भेड़ियों ने किया, और आप उनको कहते कि पूछे नहीं, इनका ट्रायल भी होना चाहिए। अब ये जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने दिया है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि आप काजी फायज ईसा साहब को, खोसा साहब, इस घटिया आदमी के साथ जो मुजाहिर नकवी है उसके साथ आप अटैच कर रहे हैं। मुनासिब कहां अल्फाज, पे काजी फायज ईसा मुनासिब साहब, मुनासिब अल्फाज आप एक मिनट सुन लें, साकिब निसार का ले लें, सईद खोसा का ले लें, साकिब निसार का क्या मलिक किरदार साहब, रहा, घिनौना किरदार रहा। आप बोलते उस वक्त जस्टिस सिद्दीकी के हक में, जहां पे 2 साल की मेहनत जाया होने की नस्बत उनको उस वक्त के डीजी क्या नाम था उनका, फैज अमीर साहब ने सबकदोश करवा दिया। पूछते आप उनसे किधर से आपकी जमीर और आपकी गैरत, जब अरशद मलिक ने इतराफी बयान दिया कि मेरे से नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दिलवाया गया है, जस्टिस ये जो बैठा हुआ है साकिब निसार की, कि आप कैसी बात करते हैं, कैसे इन दरिंदों को जिन्होंने इंसाफ का गला घूटा हो, और आप उनको कहते हैं कि जाने दें, बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए, और आप इसको पोलिटिसाइज कर अच्छा रहे हैं काजी साहब, काजी फाइज ईसा साहब को। खोसा साहब से मैं इसका जवाब आपकी ले सोच लें। को कंडेम करता हूं, मैं कंडेम करता हूं खोसा साहब आपकी सोच देखे पर, नदीम मलिक आपकी साहब, प्लानिंग के ऊपर, कि आप सोची मलिक सभी साहब, स्कीम खोसा के साहब तहत काजी फाइज ईसा साहब के जी खिलाफ जी कंपेन कर रहे हैं। मलिक साहब, जी जी खोसा साहब अगर आपने सारा जी टाइम खोसा साहब इन्हीं को देना है और ये गालियां गालियां सुनवानी है अगर आपने, तो फिर मैं तो प्रोग्राम से, मेरे ख्याल में मुझे मुखलिसी दे दीजिएगा। मैं ऐसे शाउटिंग चले जाए। में का आदी नहीं हूं, शाउटिंग बाउट जो कर नहीं रहे नहीं हैं, शॉटिंग करने अगर की इन्होंने चाहिए भी यही नहीं है, जबान इस्तेमाल मुनासिब करनी अल्फाज में ही है। तंकीद होनी चाहिए। देखिए नहीं, मुनासिब अल्फाज में तंकीद देखिए, होनी चाहिए, इसमें शॉटिंग ना में तो नहीं। लेकिन साकिब कोसा साहब एक चीज आप ना कोई बताइएगा, साकिब निसार का जो ताल्लुक जो था। बात फैसले ऐसे देखिए, हैं जिसके एक ऊपर मिनट मैं एक कोसा मिनट साहब आपसे एक राय मिनट चाहता हूँ। एक जी मलिक साहब, एक मिनट जी जी एक बताइए। मिनट, मैंने बिल्कुल किसी चीज का नहीं किया। मैंने कहा सबका रवायात हमेशा यही रही है, अगर सबका रवायात से आप हटके करते हो तो आर्टिकल 25 में कि हर एक के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए, तो फिर आर्टिकल 25 को उठा के आईन से बाहर फेंक दें। बाकी रहा ये, इनको पता ही नहीं है कि उन पर इल्ज़ाम क्या था। इन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था कि इन्होंने पैसे लेके या करप्शन करके कोई गलत फैसला किसी के हक में दिया या किसी को मफाद दिया है। इनको पता ही कुछ नहीं है कि बातें क्या थीं और क्या इल्ज़ाम उसमें उस पर लगाए गए थे। ये मैं इसलिए इंतकामी कह रहा हूँ कि अगर आप अंधे की तरह देख भी लें कि जी ये किसने जो है फलां तारीख को खरीदा था एक मकान और वो 80 करोड़ का था, या और अब जो है इसने 10 साल 15 साल के बाद बेचा है तो वो 2 अरब का हो गया है,
तो वो एस्केलेटेड प्राइस ऑटोमेटिकली होती है, ये इल्जाम उस पर था ही नहीं, और फिर वो खरीद करके उसने एक बेच के एक दूसरी एसेट खरीदा है। ये आप इंसाफ के कत्ल, हमने 45 साल के बाद भी हमने देखा कि इंसाफ के कत्ल का खुद सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो ये बात माफ कीजिएगा, ये अगर आप हाफ बेक्ड फैक्ट्स पर आप इस तरह से शाउटिंग करके किसी पर इल्ज़ाम लगा के और उसको जो है गुनहगार करके और उसको कंडेम करते हो, और जबकि वो मौजूद भी नहीं है, और उसकी, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अगर बाकी लोगों के साथ आज तक तारीख में ये होता है सब, कि जब जज मुस्ताफी हो जाता है जो तो 45 साल बाद इंसाफ का फैसला हुआ जाती है। खोसा साहब, जो 45 साल बाद फैसला हुआ है, मेरा एक सवाल है, मैं कल भी प्रोग्राम में उठाया था, आज बड़ा ही मुनासिब है आप मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं इस पर राय चाहता हूँ, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब नहीं होगा कि वो 45 साल पहले जिन्होंने फैसला किया था, जनरल ज़िया हो या उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज हो या मौलवी मुश्ताक हो, उनके मुतलक भी एक फैसला जारी करें कि उनका रोल क्या था, उसकी जाँच परख करें, और अगर उन्होंने मिसकंडक्ट किया है किसी के दबाव के, किसी के इशारे के ऊपर, किसी की कॉल के ऊपर, कुछ भी ऐसा जिसने भी किया, उसके ऊपर ऑर्डर पास करें, उसको बताएं कि क्या हुआ था। ये फैसला ना सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले में आना चाहिए, बल्कि इकामा पेपर, इकामा के ऊपर जो नवाज शरीफ का फैसला था उसके ऊपर भी आना चाहिए, उसका 63A का फैसला कैसे हुआ था उसके ऊपर भी आना चाहिए, बल्ले का निशान कैसे गया है PTI से उसके ऊपर भी आना चाहिए। इंसाफ तो यही होगा, क्या कहते हैं आप मलिक साहब? बिल्कुल, मैं आपकी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए, लंदन में क्रॉमवेल ने, उसने एक निज़ाम को धर्म बरहम करके, उसने जो है गासिबाना तौर पे कब्ज़ा करके उसने जो है किया था, और जब वो फौत होने के बाद 2.5 साल के बाद उन्होंने उसका ट्रायल किया, पॉस्थ्यूमसली ट्रायल करके उसको सजाए मौत दी गई क्रॉमवेल को, और क्रॉमवेल की हड्डियां, इनका बॉक्स होता है, उस बॉक्स में से हड्डियां निकाल कर पार्लियामेंट के बाहर लटका दी गई, ताकि आइंदा से किसी को उसके बाद जरूरत नहीं हुई कि निज़ाम के साथ कोई खिलवाड़ कर सके उस पार्लियामेंट के साथ। आप जब बार बार हम उनकी जो है उसकी बात करते हैं पार्लियामानी निज़ाम की, बरतानिया की, तो उसकी वजह यही है कि मुहासबा हुआ, मरने के बाद भी किया गया, जिस शख्स ने खिलवाड़ किया उस उनके निज़ाम के साथ, उसको फांसी देकर उसकी हड्डियां तक लटका दी गई, इबरत का निशान बनाया गया। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये जो है बिल्कुल पॉस्ट्यूमसली होना चाहिए, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ ये बिल्कुल होना चाहिए, मौलवी मुश्ताक के साथ बिल्कुल होना चाहिए, उन जजों ने जिन्होंने फांसी दी है उनके खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए, और ये जो है ताकि ये आइंदा से इस तरह की रस्म जो चल निकली है वो बंद हो। और दूसरी बात, खुदा का खौफ करें, 9 मई और 9 फरवरी के दरमियान जो कुछ हुआ है, इसको भी खुदा रहा 45 साल बाद इंसाफ मत दीजिएगा। एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर हार्ट थ्रॉब, जो लोगों की दिलों की धड़कन है, और माशाल्लाह बैठे हुए हैं आबिद शेर अली साहब, सफाया फिर रहा है फैसलाबाद में, सारे इनके इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी बुरी तरह हार गए हैं, आफरीन है अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की, कि उन्होंने 8 फरवरी को, इसके बावजूद के हमसे बल्ला छीन लिया गया, इसके बावजूद के हमारे उम्मीदवार जो है वो कैंपेन नहीं कर सके, मैं खुद ना जलसा कर सका, ना मुझे रैली निकालने दी गई, ना मुझे जुलूस निकालने दिया गया, ना कैंपेन करने दी गई, और फिर भी मैं 45,000 वोटों से एन 122 से जीता हूँ, हम आग के दरिया से गुजर के इस वक्त जो है, और फिर भी 8 फरवरी को 180 सीटें हमारी जो है जीती हुई, और अगर हमें अकलियती और हमें ख्वातीन की नशिस्तें देते हैं तो 235 पर हम पहुँचते हैं, 2/3 मेजोरिटी हमारे पास। ख्वातीन वाली नशिस्तों की तरफ आता हूँ, लेकिन ये जुल्फकार अली भुट्टो वाले केस के ऊपर पलवशा पास है, तो मैं चाहूंगा उनसे भी रिएक्शन ले लें, मैं ख्वातीन की नशिस्तों पर भी आता हूँ। सर आप खुश आए चाहे सिर्फ एक मामले को दोबारा टेकअप किया, सर खुश आइंद है, जी जी सर खुश आइंद फैसला है, मैं जुल्फकार अली भुट्टो का ये बहुत खुश आइंद फैसला है, हम पहले दिन से कहते आए हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद है, उसका अदालती कत्ल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कलंक से तो माथे से तो कलंक का टीका शायद साफ
करने की कोशिश की है, लेकिन अगर इंसाफ देना है और इसको चूहे बिल्ली के खेल को ख़त्म करना है तो फिर आपकी तजवीज़ से मैं 100% ही मुत्तफिक हूँ। खुदा रा इस वक्त इमरान खान को भी फिर इंसाफ दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, ये गुफ्तगू तो आपने सुन ही ली लतीफ़ खोसा साहब की। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की जान को इस वक्त शदीद ख़तरा लाहक है। आप सब कुछ चाहिए कि उनके लिए दुआ करें, उनकी हिफाजत के लिए भी दुआ करें, और बाकी जो भी ख्वातीन कैदी हैं वो भी जल्द अज़ जल्द रिहा हों, खान साहब भी जल्द अज़ जल्द रिहा हों, ताकि रमज़ान वो घर में गुजार सकें। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रात ही अडियाला जेल के करीब से 3 दहशतगर्द हिरासत में लिए गए CCP और रावलपिंडी के मुताबिक। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं वो इंतहाई परेशान हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा जो है पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो है वो 13 मार्च तक रोक दिया है। जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक कौमी असम्बली में सिर्फ 35 नशिस्तें हैं हुकूमत के पास। तो लिहाजा नाज़रीन, देखें अब आगे क्या बनता है, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।